तैयारी तो बड़ी लंबी है, 2028 तक की है, और हमारा मूल काम है राजनीतिक सुधार करना। तो तैयारी अनवरत चल रही है, इसमें कभी घड़ी की सुई पीछे घूम जाती है, क्योंकि इस समय आप सभी सम्मानित पत्रकार बंधु केवल एक प्रश्न पूछते हैं कि अपने लोगों को लड़ाएंगे। लड़ाना हमारा मूल मकसद नहीं है, लड़ाने का प्रयास जरूर है। जब इंसानियत के अनुरूप, मानवीय भारत सिद्धांतों के अनुरूप कोई नौजवान, कोई बुजुर्ग लड़ने आएगा तो उसको लड़ाएंगे, नहीं आएगा तो हमको फिक्र नहीं है, लड़ना लड़ाने आगे नहीं। अब पार्टी की तरफ से कुछ जारी किया गया, उसमें जिसको शर्तें कि ये शर्तें होनी चाहिए, उसमें ये था कि आपराधिक छवि ना होना और कई और चीजें थी। सर ये बताइए कि लोकतांत्रिक देश है, लोग स्वतंत्र हैं, व्यक्ति 25 हजार से कम की है, तो अगर वो लड़ना चाहें और वो सच्ची उनकी लोकप्रियता हो तो क्या उसको टिकट मिलेगा? 25 हजार रुपए अगर आप नहीं कमा सकते हो तो आप संसद सदस्य होकर पूरे लोगों की सेवा करें, 25 हजार। और अगर आप नहीं कमाते हो 25 हजार, तो आपके बच्चे कैसे करें क्या? और अगर आप हार जाते हैं चुनाव तो क्षेत्र में कैसे जाएंगे? तो 25 हजार की इनकम तो हर व्यक्ति के लिए अनिवार्य है, और 25 हजार की इनकम हम जनता को देना चाहते हैं तो हमारे कैंडिडेट के पास। एक समय था जब पार्टियों को, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगा, कि आपराधिक छवि या फिर किसी भी तरह की छवि ऐसी होनी कि जो लोकप्रियता की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण हो। आप उसके से हम विपरीत बात करते हैं, हालांकि राजनीतिक सुधार यात्रा है, लेकिन उसका आपको नुकसान आपको भी करता है कि पार्टी को झेलना पड़ता नुकसान है? हो जाए, कुछ समय नुकसान हो सकता है, लेकिन इसी दुनिया में, इसी इतिहास में अच्छे लोग भी आए हैं, हम उनका अनुसरण करेंगे, समय आएगा पीला गमछा आजकल काफी चर्चा में, तो पीले गमछे कहीं आपका भी तो पीला गमछा कर्मचारियों पदाधिकारियों को ये निर्देश? जिस पीले गमछे की बात आप कर रहे हैं वो तो पेंडुलम है, कभी यहां तो कभी वहां, हमारे पीले गमछे के साथ हरा रंग भी लगा है और हमारे दिल में सुनहला रंग भी लगा है, हमारी पार्टी के लोगों में नहीं सुनहला रंग भर जाएगा, हमारी पार्टी के लोगों में गंगा की पवित्रता होगी, समुद्र की गहराई होगी, और हम लुढ़कने वाले पीले गमछे नहीं, हम शांति के बृहस्पति के। आपको नहीं लगता है कि नीतीश कुमार और ओम प्रकाश राजभर जैसी जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं जो है अब महत्वपूर्ण हो गई है, क्योंकि मंत्री बनना आसान हो जाता है, विधायक बनना आसान हो जाता है? आप ये बताइए कि मैं लोकसभा की सीट जीत जाऊं, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन जाऊं, मंत्री बन जाऊं, वो महत्वपूर्ण है कि मेरा नाम आप सम्मान से ले, मेरे लिए मेरा नाम आप सम्मान से ज्यादा महत्वपूर्ण है? नीतीश कुमार का नाम आपने जन्म दिया, और नीतीश कुमार आपके पिता के समान है, हमारे भाई के समान है, प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, फिर भी उनका नाम सम्मान से नहीं लिया जा रहा है। उन्होंने बहुत कुछ किया है, बहुत बेचारा है, बहुत बेचारा है, उसको सदन में भी क्या कहते हैं तेजस्वी पलटू, ऐसा अपमान भगवान हमको न दे, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का पद भले। सर लोग राजनीतिक सुधार यात्रा कौन से चरण में पहुंची, कहां तक पहुंची? दो चरण पूरा हो चुका, तीसरा चरण हमारा निलंबित हो गया था पारिवारिक कारणों से, लोकसभा के चुनाव के बाद तीसरा चरण। लोग कहते हैं जनता में जब भी हम सर्वे करते हैं कि अभी जो 7 चरण में होने हैं, छठे चरण में मतदान, तो उसके बाद में क्या होता है कि अभी नेता चरण में है, उसके बाद फिर जनता उनके चरण में होती है 5 साल तक, तो ये माननीय भारत पार्टी से होने वाला है? माननीय भारत पार्टी से ऐसा होना होता तो आज के 1.5 साल पहले हमारी चुनावी यात्रा क्यों चल रही होती, और संसद के चुनाव के बाद फिर चले, और 2028 तक चुनावी यात्रा क्यों की होती, राजनीतिक सुधार यात्रा 11 चरण में, यह इससे कोई ताल्लुक नहीं। देश में एक पे एक लड़ाई चल रही है, आप अपने आप को हम आपको या तो सबसे नीचे मानते हैं या तो सबसे ऊपर मानते हैं, सबसे नीचे कूटनीति की दृष्टि से हम सबसे नीचे हैं, अभी लोकसभा में हमारी सीट आने की तो बात दूर, हम अच्छे से 2-4 कैंडिडेट दे पाएंगे कि नहीं ये भी खतरे में है, लेकिन हमारे हम सबसे ऊपर इस रूप में है कि जो कार्य हम कर रहे हैं वह
उस कार्य को करने में हमें भारतीय संस्कृति का, सनातन धर्म का, अन्य धर्मों का, हमारे मनीषियों का, महात्मा गांधी का और अन्य संतों का आशीर्वाद प्राप्त है। इस रूप में हम सर दिन प्रतिदिन आपके पदाधिकारी का और बाकी लोग मरते जा रहे हैं, इसका क्या मेन उद्देश्य? नहीं, बढ़ना महत्वपूर्ण नहीं है, वृद्धि हो, सकारात्मक हो। हम तो आज ही अपने एक सबसे प्रिय छोटे भाई को पार्टी से निकालने की बात करके आए हैं। बढ़ना महत्वपूर्ण नहीं है, जो वृद्धि हो वह वृद्धि हरी भरी हो, वह वृद्धि पवित्रता की हो। हम उन सारे कचड़ों को काट देंगे जो राजनीतिक सुधार के मार्ग में है। हम ऐसी वृद्धि नहीं चाहते कि हम शीर्ष पर पहुंच जाएं और हमारे अगल बगल चार सौ पार की बात कर रहे हैं बीजेपी वाले। कांग्रेस कह रही है कि इसकी बार चार सौ पार होने वाला नहीं है, बल्कि वो चार सौ हार होने वाला है, ऐसा अखिलेश यादव ने भी कहा। आपका राजनीतिक दृष्टिकोण बड़ा लंबा रहा है, अनुभव लंबा रहा है। भूपेश्वर जी अपने आप को कहाँ पा रहे हैं ऐसे राजनीति में, ऐसे समय में, और उनके स्टेटमेंट से आप कितने सेटिस्फाई? वो चार सौ पार की बात करते हैं, हम जीरो पार की भी बात नहीं करते, तो क्लियर हो गया हम कहीं अपने को नहीं पाते। कहीं ना कहीं विश्वास की कमी नजर आई आपने, क्या ऐसा क्यों? नहीं, विश्वास की कमी है लेकिन यथार्थ है, यथार्थ और विश्वास। हम यथार्थ पर जीते हैं और यथार्थ हमारे आचरण में है, हमारे कृत्यों में है। हम जीरो पार की बात नहीं करते, वो चार सौ पार की बात। चार से पांच निर्दलीय एमपी पद लग रहा है कि हो सकता है। निर्दल एमपी जो ज्यादातर जीत के जाते हैं, क्या अमर सेन और कोई महान व्यक्ति निर्दल जीत सकता है? निर्दल जो लोग जीतते तो सामान्य निर्दल जितने भी जीतते हैं सामान्य वो माफिया होते हैं, एक्सेप्शन हो सकता है, एक्सेप्शन हो सकता है। और हो सकता है हमारी पार्टी ऐसी चले, हमारे पार्टी में ऐसे लोग पल्लवित हों, ऐसे लोग विकास करें जो निर्दल। सर पार्टी में अपनी आपने माफियाओं को आने के लिए कुल रास्ता थोड़ा है? हाँ, थोड़ा है। कल तक आप माफिया थे, कल तक आप एंटी सोशल थे, आज आप सुधरना चाहते हैं तो आपको सुधरने का मौका होगा, लेकिन गांधी की प्रतिमा के सामने आपको मेरे साथ उपवास करना पड़ेगा कि आज के बाद हम ऐसा नहीं। वीर सावरकर तो राहुल गांधी नहीं रहते, आप कितने संतुष्ट? वीर सावरकर से राहुल गांधी नहीं संतुष्ट रहते हैं, लेकिन वीर सावरकर ने जो आंदोलन में क्रांतिकारी की भूमिका निभाई उस उनसे हम सहमत हैं। लेकिन अगर वीर सावरकर अंधविश्वासी और कट्टरपंथी कोई कार्य किए हैं तो वहाँ नहीं है, लेकिन एज ए होल वो एक बड़े नायक हैं और उन्होंने तमाम प्रताड़नाएं सही हैं देश के लिए। इस रूप में सलाम करते हैं। सत्ता परिवर्तन होना आपको लगता है? सत्ता परिवर्तन केवल परिवर्तन के लिए नहीं होना। आखिर मोदी को हटाना जरूरी है, ये बात सही, लेकिन मोदी को हटा के कौन आएगा? ये सत्ता का परिवर्तन अपने आप में विकास, फिर भी कोई विकल्प नहीं है, परिवर्तन हो जाए उसको भी हटा दिया जाएगा, विकल्प बनता जाएगा, लेकिन परिवर्तन नहीं। क्योंकि पार्टी से एक सवाल अंतिम आपसे पूछना चाहेंगे कि इलाहाबाद और फूलपुर लोकसभा सीट पर बहुत पहले बात चल रही है, इस पार्टी के सूत्रों से निकल करके बातें आ रही थी, क्या वो सीट पर हमें कोई विचार? हमारा विचार सभी सीटों पर है, काश हमको उत्तर प्रदेश में सर कितनी सीट इस बार आप लड़ाएंगे? तीन महीने पहले तो मुझे जिस रूप में लोग हमसे संपर्क कर रहे थे हमको 50 लगता था, लेकिन जब हमारी शर्तें लोगों ने देखी तो ऐसी स्थिति में कि अभी हम कुछ कह पाने के, अभी आपको नहीं लगा समय की डिमांड के हिसाब से हम कॉम्प्रोमाइज सवाल ही नहीं है मेरी डिक्शनरी में। हम अपने दूसरे के हित के लिए कंप्रोमाइज कर सकते हैं, लेकिन अपने और राष्ट्र के हित के लिए कंप्रोमाइज कर सकते हैं। कंप्रोमाइज करना यानी ये 27 की तैयारी,
27 की है, 29 की है, 32 की है, और ये तैयारी पूरी तरह से साकार होगी। हम दिखेंगे नहीं, हम लेके रहेंगे, ये भी सुन, हम 2027 में उत्तर प्रदेश लेके ही रहेंगे। छोटा सा सवाल सर, बहुत कम समय हमारे पास है, गठबंधन के लिए अगर किसी का ऑफर आता है, बीजेपी हो या इंडिया गठबंधन हो या किसी के साथ, किसके साथ जाना पसंद? यार हम तो पार्टी का आधार बढ़ाना चाहते हैं, आप ला दीजिए किसी को, आप सम्मानित पत्रकार हो किसी को ला दीजिए, हम कोई गलत बात नहीं रखेंगे, मानवीय भारत के और इंसानियत के सिद्धांत को मानेगा, हम उसके साथ गठबंधन। धर्म आपके राजनीति छोड़ेगा क्या, माफियाओं को टिकट